हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने मूवी देखी दिल बेचारा। तो इस मूवी का मैं आज रिव्यू ना करके बस आपके सामने इसके बारे में कुछ बात करूंगा, तो यार वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख लेना। ना अगर सबसे पहले तो ये मूवी देखी मुझे इतना तो जरूर मालूम पड़ गया यार कि किसी भी इंसान की वैल्यू उसके मरने के बाद 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और ये देखने को मिला आज दिल बेचारा में। क्योंकि यार इस मूवी के जो व्यूज है 75 मिलियन पहुंच चुके हैं 21 घंटे में, वो भी तो अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। एंड ऐसा नहीं कि सुशांत राजपूत की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी है, इससे पहले भी अच्छी अच्छी मूवीज दे चुके हैं जैसे कि एमएस धोनी छिछोरे केदारनाथ, पर उन मूवीज को इतनी रीच नहीं मिली जितनी इस मूवी को मिली। यार उनके मरने के बाद यार मूवी को बहुत ज्यादा रीच मिली है, एंड यार वो डिजर्व तो करते हैं, पर यार क्या फायदा कि बंदी की टैलेंट की कदर तब समझी जा रही है जब वो मर चुका है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। पर यार अगर बात करें इस मूवी की तो मूवी यार बहुत ही मस्त मूवी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है। एंड अगर बात करूँ यार सिंपल से मूवी के बारे में, तो यार मूवी यार मतलब जब ना सुशांत राजपूत का वो पहला सीन आता है, जो पहला डायलॉग बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो जेन्युइनली बोलो ऐसा हुआ था मेरे साथ यार, मतलब उस बंदे की ना एक्टिंग देख के अचानक से स्माइल आ गई। एंड यार ऐसा नहीं कि उनकी ही एक्टिंग परफेक्ट है, जितनी भी कैरेक्टर इसमें है सबकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। सेकेंड नंबर पर आपको संजना सांघी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यार उन्होंने जिस तरीके से कैंसर पेशेंट की एक्टिंग की वो लाजवाब है। एंड आप सभी लोग जानते हो कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है ये मूवी, एंड जिस तरीके से मूवी को बनाया है थोड़ी बहुत सिमिलर तो है, पर यार मूवी को देख के यार वाकई मजा आता है। अगर आपने द फॉल्ट इन आवर स्टार्स देखी तब भी आपको ये मूवी को देखने मजा आएगा, एंड अगर नहीं देखी तो डेफिनेटली मजा आएगा। एंड अगर बात करें मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो पॉजिटिव पॉइंट तो सबसे पहला यही है कि यार सुशांत राजपूत की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। हालांकि सभी की आपको एक्टिंग अच्छी लगेगी, स्पेशली संजना सांघी की। एंड यार मूवी को जिस तरीके से बनाया है, जो इसमें गाने डालेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग। मतलब यार ये पहली मूवी है मेरी शायद से जिसमें चाहता हूं कि गाने एंड ही ना हो, बस चलते रहें चलते रहें चलते रहें। तो यार इतने अच्छे इसमें गाने डाले गए और हर गाने इसके हर एक सीन पे फिट बैठते हैं। एंड जो मूवी का क्लाइमैक्स यार तो उसने हिला डाला, मतलब यार क्या होना चाहिए था क्या हो गया, तो यार आपको ये लगेगा एंड में यार। और जो सिचुएशन लास्ट में बनती है तो वो लगता है कि हाँ को रियलिटी में भी अभी यही हो रहा है। तो ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करना, मैं आपको नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो। एंड बात करें मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, वैसे तो बात नहीं करना चाहूंगा, पर फिर भी बताना चाहूंगा कि यार मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा आपको वीक लगेगा, मतलब थोड़ा सा वीक लगेगा। अगर आप मूवी ज्यादा नहीं देखते हो तो आपके लिए परफेक्ट मूवी है, एंड अगर आप मूवी अल्कोहलिक हो मतलब मूवी बहुत ज्यादा देखते हो तो आपको बीच बीच में थोड़ी सी बोर फील होगी, हालांकि उतना ज्यादा नहीं होता पर फिर भी थोड़ा बहुत लगेगा। एंड इसकी कसर उनकी एक्टिंग आपको पूरा करके दे देगी। एंड मूवी में सैफ अली खान का भी आपको छोटा सा रोल देखने को मिलता है, लगभग 5 मिनट का, एंड यार उतना ही उनका रोल है, तो यार मजा आता है उनका रोल भी देख के, अच्छा लगता है। एंड यार कुल मिला के यार मूवी परफेक्ट है, आपको एक ना एक तो जरूर देखनी चाहिए। मतलब यार मूवी को देख के जो आपको फील होगा खुद ही एक्सपीरियंस करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मूवी को देख के, एंड यार मूवी को देख के मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने रात के 1 बजे खत्म किया, एंड मजा आया, चैन की नींद सोया। एंड यार थोड़ा सा बुरा लगा सुशांत राजपूत के लिए, तो यार जो भी है। एंड आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस मूवी को देख के तो मुझे कमेंट जरूर करना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हो, एंड कमेंट जरूर कर देना प्लीज। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई ठीक है यार, जय हिंद जय भारत।